देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एसटीवी लद्दाख आवाज करगिल। सामईन, ये मंज़र आप जो देख रहे हैं ये कारगिल टैक्सी स्टैंड का मंज़र है। लगभग आज इस टैक्सी स्टैंड में 1000 गाड़ियां स्टैंड हो चुकी हैं। इसकी वजह जो पिछले 5 रोज़ से टैक्सी यूनियन की तरफ से एक हंगर स्ट्राइक धरने की सूरत पे आप देख रहे हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं इस मंजर को ना होने दें। ये जो मंजर है काफी अफसोसनाक मंजर हमें लग रहा है। कोई गलत डिमांड इनकी नहीं है, इनका मुतालबा है गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इनको लद्दाख यूटी के इंटरनल रूट्स पे प्ले करने के लिए इनको परमिशन दी जाए। पेपर किन बताओगे थोड़ा अगर स्टोरी बनाना है ये सब। क्या
जिंदाबाद जिंदाबाद, बहाल करो बहाल करो, गढ़खड़वाड़ी घूमने की आजादी बहाल करो बहाल करो बहाल करो, टेक्सी यूनियन कारगिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टेक्सी यूनियन कारगिल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लद्दाख में घूमने की आजादी बहाल करो बहाल करो बहाल करो, लद्दाख में घूमने की आजादी बहाल करो बहाल करो बहाल करो, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते, लद्दाख में घूमने की आजादी बहाल करो बहाल करो बहाल करो, लद्दाख में घूमने की आजादी बहाल करो बहाल करो बहाल करो, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ होश में आओ होश में आओ, एमपी लद्दाख सर जिस तरह 7 दिनों से आप लोगों का स्टेक और हैंगर स्टेक चल रहा है, पूरा आप लोगों ने बंद रखा था, तो आज से मुद्दा कहाँ तक पहुँचा आप लोग? लेकिन नासिर साहब, आज हमारा जो ये कारगिल बंद का जो काल था, ये 4 दिन हमारा जो 3 दिन का जो हंगर स्ट्राइक रहा कंप्लीट, उसके बाद 3 दिन के बाद भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, फिर हमने सेकंड स्टेप उठाया कि ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पूरे जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट्स हैं कारगिल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारा मिल के एक यूनानिमसली एक स्टेप लिया कि ऑल ट्रांसपोर्ट जो है कमर्शियल व्हीकल्स जो रिलेटेड है, वो सारे ट्रक से लेके ऑटो तक हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया था, तो उस पर भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिस्पांस या रिएक्शन नहीं आया, तो हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल के कारगिल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, 100% जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टूडेंट मूवमेंट हो, ये सारे मिल के जो है कल हमने एक परसों हमारा एक डिसीजन हुआ कि हम कंप्लीट शटडाउन का एक कॉल करेंगे महरम आने से पहले, तो वही आज 9 तारीख का हमने डेट रखा कि कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट कारगिल बंद का कॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल के पांद्रास और मटाइन से लेके हमारा जंस्कार तक, और दूसरे रोड में हमारा बोध खरबू तक, यहाँ से बटालिक आर्यन वैली दरसिक्स गरकोन शकर चिकतन तक, तो सारे जगह जो है ये स्ट्राइक जो है कारगिल बंद के जो कॉल था हमारा टैक्सी यूनियन की तरफ से, उसका सभी ने सपोर्ट किया, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, जितने भी हमारे कारगिल में जो रहते हैं कारगिल वासी हैं, सबों ने बिल्कुल उसका इज्जत रखा, एहतराम रखा, सभी ने इसका हिमायत किया, और पूरे कारगिल आज बंद है। आप मीडिया हज़रात हैं, आपने भी बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, तो आपने भी देखा कि हमारे यहाँ पूरा शटडाउन है, आप देख भी रहे हैं हमारे पीछे, और उसी बेसिस पे हम कि ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये बिल्कुल नॉर्मल, हम बिल्कुल लीगल तरीके से हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप खुद देख रहे हैं, तो ये हमारा कारण रहा यहाँ 9 तारीख तक ये कारगिल पूरा बंद का काम। जिस तरह हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो रात को आप लोगों से डीकॉम से मिला था, तो उन्होंने क्या कहा आपको, क्या इशू? डीकॉम साहब यहाँ पर आए तो हमने उसका वेलकम किया, यहाँ हमें 8-8:30 बजे का टाइम दिया हुआ था डीकॉम साहब ने, तो हम वहाँ गए, उनके साथ बातचीत की, वहाँ पे हमारे साथ कम से कम आधा घंटे तक बातचीत चला, तो हमारा जो मूवमेंट है, ये जो इशू है हमारा, वो हमने वहाँ पे फिर से राइज किया, और हमने अपना क्लियर स्टैंड उसको ये रखा कि हमारा जो भी इंटायर लद्दाख जो हमें घूमने का आज़ादी जो है वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रोफेशनल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जितने लद्दाख में जितने, चाहे लेह के हो चाहे कारगिल के हो,
इंटायर लद्दाख पूरे घूमने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वो हमारा क्लियर स्टैंड था। तो उनको हमने क्लियर स्टैंड ये भी एक बता दिया, कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई इलीगल, ये क्या कहते हैं, अनऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं होगा। बाकी हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि एलजी साहब, ये ड्यूकॉम साहब के सुपरविजन में अगर ले यूनियन से अगर हमें बात करना पड़े, तो हमने उनको बिल्कुल आश्वासन दिया कि हम उनके चैम्बर में भी या वीसी के थ्रू हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो आज भी हमारा कहना यही है कि रूल ऑफ लॉ को लागू करने की बात की, तो हमारा आज भी वही है, रूल ऑफ लॉ को लागू कीजिए। हमारा जो गाड़ियां हैं पूरा लद्दाख में घूमने की आज़ादी हमें मिलनी चाहिए बिना रिस्ट्रिक्शन के और बिना कोई रोके। तो उसके साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ड्राइवर्स एंड व्हीकल्स, ये भी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट अब भी रहेगी कि अभी भी हमारा प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल पीसफुली चल रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मुद्दे डीकॉम साहब के सामने रखा, उसने आपको क्या कहा, क्या इशू किया? जी, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी हमें यही कहा है कि 2-3 दिनों में हमारी इस मसले का कुछ समाधान निकालेंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि डीकॉम साहब अभी यहाँ 2 दिन यहाँ हैं, हमें उम्मीद है कि वो यहाँ से जाने से पहले ही हमारा जो इस इशू का है जो कुछ हल जो है वो पॉजिटिव निकलेगा, हमें उम्मीद है। तो अगर इस 2-3 दिनों में अगर कोई बातचीत अगर चला या पॉजिटिव कोई रिस्पांस आया तो हम उसका वेलकम करेंगे, अदरवाइज़ हमारा ये जो पोस्टर जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हमारा जो चलेगा ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद हम डीकॉम साहब से अभी फिर आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे जो इश्यूज़ है इसको जल्द से जल्द, आपने कहा है 2-3 दिन में हम इसका कोई रिजॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्व कीजिए, इसके लिए हम वेलकम करेंगे जो पॉजिटिव वहाँ से आएगा। जिस तरह आज पूरा करगिल शट डाउन का आप लोगों ने जो कॉल दिया था तो पूरा बंद पड़ा है, तो इसमें आप लोगों के किस किस का आप लोगों को सहयोग रहा है? लेकिन नसीर साहब, हमारा ऐसा आप भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रोज़ बरोज़ समर्थन मिल रहे हैं। आज तक जितने भी हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे बड़े जो इदारे हैं, इस्लामिया स्कूल है, IKMT है, और हमारा अंजुमन साहिब ज़मान है, आज हमारा अंजुमन है सोफिया नूरबख्शा का भी हमें सपोर्ट आया है क्योंकि उन्होंने हमसे माजरत भी मांगी कि उनको कोई बिजी शेड्यूल की वजह से यहाँ पे आज लेट हुआ, तो उनका भी हम अस्तहदिल शुक्रिया अदा करते हैं। मर्चेंट एसोसिएशन का हमें सपोर्ट है, और हमारे जो स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, कारगिल से जितने भी हैं उन सब का हमें सपोर्ट है, और ऑल कारगिल टूर एंड ट्रेवल्स एसोसिएशन का हमें सपोर्ट है, और ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो हम है ही हैं उनके मेंबर, तो उनका तो होना ये तो यकीनी है। बाकी ढाबास जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं उनका भी है, जो वेजिटेबल्स वाले की ऑर्गेनाइजेशन है उनका, टोटल 100% हमें यहाँ कारगिल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका हमें सपोर्ट है, और आपके माध्यम से पूरे कारगिल के आवाम का और कारगिल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी हम कारगिल यूनियन की तरफ से दिल की बिल्कुल अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनका भी, कि आज तक जब से हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं तब से सपोर्ट रहा है और अब भी है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी रहेंगे। तो जिस तरह आज लोगों ने, जो आप लोगों ने कॉल दिया, तो जो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये कब तक रहेगा, कब इसको आप लोग खोला जाएगा? कल से तो महरम भी शुरू हो रहे हैं जी, साहब इसको कब छोड़ दिया जाए? जी, हमारा जो कॉल था कारगिल बन 9 अगस्त का, तो आज 9 अगस्त है, लोगों का भी हम और जितने भी यहाँ पे खसूसन ये ट्रांसपोर्ट और मर्चेंट एसोसिएशन का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना इतना बड़ी रोज़गारों को ठप करके हमारा साथ दिया। इसके लिए हम बिलखसूस ये रेस्टोरेंट वाले और ढाबास और मर्चेंट एसोसिएशन का, उनका हम अस्तहदिल शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा ये जो शटडाउन का कॉल जो है वो हमने 1 दिन के लिए किया था, तो मॉर्निंग 6-7 बजे से हमारा स्टार्ट रहा है, शाम को इंशाल्लाह 8 बजे तक खुल जानी चाहिए, खोल सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना घर बार चलाने हैं, तो जितना 6-7 बजे खोल सकते हैं, तो यहाँ हर किसी को
हर किसी का हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया, इतना हमारी हौसला अफजाई की। आप लोगों की वजह से ही हमारे होश में जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपका सपोर्ट है। तो पूरे करगिल के लिए ये जो काम कर रहे हैं हम, पूरे करगिल के लिए, पूरे कौम के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें हम पूरे कारगिल वालों को, कारगिल वासियों को, पूरे लद्दाखियों को, मैं कारगिल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लद्दाखियों को ये एक खुशी का मकाम है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो हमारा प्रोफेशन राइट के लिए हम इतने ज़बरदस्त एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ लड़ रहे हैं, उसके लिए हम तमाम लद्दाख वासियों के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये इनिशिएटिव हमने उठाए। लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करगिल की आप लोगों को क्या सपोर्ट कहा? जी, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल ही उम्दा और बढ़िया कहें सपोर्ट रहा है हमें। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ कमियां एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहते हैं, कुछ कमियां हम में भी रहते हैं, ये तो इंसानी फितरती चीज़ है। तो हमारे जो कारगिल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन हम डीसी साहब का, सीसी साहब का, हमारे एसएसपी साहब का, एएसपी साहब का और तमाम डिपार्टमेंट्स का हम तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने इतना सपोर्ट हमें किया। अभी तक हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन इतना बढ़िया से रहा है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का भी, टैक्सी यूनियन की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे कारगिल सारे टीम को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं स्टील लद्दाख के लिए फिर से एक बार मैं आपका मेज़बान नासिर हुसैन। जिस तरह पिछले 5 दिन से टैक्सी यूनियन का जो मसला चल रहा था, आप लोग हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि कम से कम 5 दिन से लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं। उसके बाद आज इन्होंने पूरा करगिल शट डाउन का एक कॉल दिया था, जिसमें पूरा पब्लिक का, हमारे पब्लिक का और हमारे मर्चेंट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इनका सपोर्ट रहा। तो पूरा करगिल बंद है आज यहाँ पर, तो अब आप खुद देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जहाँ पर इनका हंगर स्ट्राइक का जो टेंट लगा हुआ है वहीं पे वो लोग खड़े यहाँ पे नाराबाजी कर रहा है एलजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। और देखेंगे आगे इनके मसले को हल करने में हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सहयोग रहता है। एस टी लद्दाख के लिए मैं नासिर हुसैन जैदी।